आपको कैसा लगेगा सुनने में कि आप सुबह सुबह जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते हो, वहीं पे आधी रात हो जाने के बाद एक प्रेत आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, भटकती है अपनी मौत को याद करके। ये जो कहानी है मैंने कुछ महीनों पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी डाली थी देवेश तिवारी के साथ, जिसमें 11 मिलियन व्यूज़ आए थे, 1,10,00,000 से भी ज़्यादा व्यूज़, एंड ये मुंबई के सारे कॉलेजेस में आग की तरह फैल गई थी। ये असल में मुंबई के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉलेज की कहानी है। ये जो कॉलेज है मुंबई के जुहू में सिचुएटेड है एंड ये एक गर्ल्स कॉलेज है। अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता चल गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। वैसे ये जो कहानी है ये हकीकत में सच्ची है, सच है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि ये जो कहानी है ये मुंबई शहर में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड बहुत सारे वेबसाइट्स ने भी इसके बारे में लिखा है, जैसे GoldenTriangle2.com, India.com, बहुत सारे वेबसाइट्स ने इसके बारे में लिखा है, नाम भी नहीं ले सकते इतने सारे हैं। YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आज तक इस कहानी के बारे में किसी ने खुल के बात नहीं करी, क्योंकि किसी को आज तक ये कहानी के बारे में पूरी जानकारी थी ही नहीं। लेकिन मुझे है, आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। इस कॉलेज के एक बहुत ही ज़्यादा पुराने सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई थी एंड उन्होंने ही ये पूरी कहानी मुझे नरेट करी है। एंड मैंने उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करी थी जस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल ट्रस्टीज, वो तो ऐसी जो भी स्टोरीज है उसमें मानना विश्वास ही नहीं करते, मानते ही नहीं है, क्योंकि ये सारी अफवाह उनके कॉलेज के रेपुटेशन को हार्म कर सकती है। एंड इसी रीज़न की वजह से मैं इस कॉलेज का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन आपको सब कुछ सच सच बताऊँगा कि ये कहानी असल में है क्या जो इसे इतनी ज़्यादा डरावनी बना देती है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये बात है 2012 सितंबर की, जब जस्ट अभी अभी एक नया सेमेस्टर शुरू हुआ था बच्चों का एंड जस्ट नए नए स्टूडेंट्स आ रहे थे। उसी समय एक नया वॉचमैन भी आया था इस कॉलेज में, जिसका नाम था अरविंद, जो कि बिहार से मुंबई सिर्फ डे एंड नाइट वॉचमैन की नौकरी के लिए ही आया था एंड उसने जस्ट अभी अभी योली नौकरी ज्वाइन करी थी। उसको ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे असल में होता क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको नौकरी ज्वाइन करने से पहले योली बात कही थी कि इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर के लेफ्ट कॉरिडोर वाले क्लासेस के तरफ आधी रात को कभी मत जाना, कभी मत जाना। लेकिन अरविंद को कभी किसी ने वजह नहीं बताई थी कि उसको क्यों नहीं जाना है फर्स्ट फ्लोर के उस कॉरिडोर के पास। हमेशा बस उसको ये कह देते थे कि बस तेरे को वहाँ पे नहीं जाना है आधी रात को। तो अरविंद को ऐसा लगने लगा कि शायद से ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी होती रहेगी इसलिए मुझे जाने के लिए मना कर रहे हैं, एंड अरविंद ने इसको बहुत हद तक इग्नोर कर दिया। अभी एक बार की बात है, जब उस कॉलेज में शाम का समय हो रहा था एंड एक आखिरी क्लास चल रही थी शाम को 5 बजे, जो कि लास्ट क्लास थी उस दिन की, एंड अरविंद वहीं पर ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हुआ था एंड अचानक से उसकी आँख लग गई थी 5 बजे। एंड कुछ समय बाद अरविंद की आंखें झटके से खुली एंड उसने देखा घड़ी की तरफ तो रात के 9 बज रहे थे। एंड अरविंद काफ़ी ज़्यादा घबरा के उठा था, क्योंकि वो आज तक इतना ज़्यादा देर तक कभी सोया नहीं था या तो इतनी ज़्यादा देर तक कभी उसकी आंख नहीं लगी थी। एंड वो जैसे ही उठा वो वैसे ही ड्यूटी के लिए निकल गया। ड्यूटी के लिए मतलब पूरे कॉलेज में राउंड मारने के लिए कि कहीं किसी बच्चे ने कोई दरवाज़ा तो नहीं खुला रख दिया या बाथरूम का कोई नल तो नहीं खुला है, ये सब कुछ वो चेक करने के लिए निकल गया। लेकिन जब अरविंद कॉलेज में राउंड मारने के लिए निकला था सब कुछ चेक करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा नींद में भी था, क्योंकि वो जस्ट अभी अभी उठा था और वो भी झटके से, तो उसकी आँखें अभी तक अच्छे तरीके से खुली नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा नींद के नशे में था। एंड वो ग्राउंड फ्लोर में सारे क्लासरूम उसने चेक कर लिए थे अब तक एंड अब वो जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पर, एंड फर्स्ट फ्लोर पर भी धीरे धीरे उसने सारे क्लासेस में चेक कर ही लिया था, लेकिन अब वो लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम्स के नज़दीक जा रहा था। एंड अरविंद उस समय बहुत ही ज़्यादा नींद में था एंड शायद से उसको यूली बात याद नहीं आई कि ज्वाइन करने से पहले ही कुछ स्टाफ मेंबर्स ने उसको कहा था कि आधी रात में लेफ्ट कॉरिडोर के किसी भी क्लासरूम के पास मत जाना। लेकिन अरविंद अपने नींद के नशे में सब कुछ भूल के उस लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम्स के तरफ बढ़ रहा था एंड उसने लेफ्ट कॉरिडोर के जितने भी क्लासरूम थे वो उसने सब कुछ चेक कर लिया। स्टिल उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना ही उसको वहाँ कुछ दिखा। फिर वो वापस ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए नीचे मुड़ गया एंड वो बस सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था तभी उसने एक आवाज़ सुनी।
एंड ये आवाज़ कुछ इस तरीके की लग रही थी कि अभी भी फर्स्ट फ्लोर में कहीं पे तो क्लास चालू है, क्योंकि वो साफ साफ एक औरत की आवाज़ में मैथ्स के कैलकुलेशन सुन सकता था, वो गिनतियाँ सुन सकता था, 1, 2, 3, 4, जैसे कि अभी भी ऊपर क्लास चल रही है। लेकिन ये सब कुछ सुन के अरविंद शॉक हो गया था एंड उसकी नींद भी अभी तक उड़ गई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि जस्ट अभी 2 मिनट पहले उसने लेफ्ट कॉरिडोर के तरफ और राइट कॉरिडोर के तरफ दोनों तरफ उसने सारे क्लासेस चेक किए थे एंड ऊपर कोई भी नहीं था। एंड ये जो आवाज़ें आ रही थी अरविंद को ऊपर से, ये वाकई में ऐसा लग रहा था कि एक टीचर वाकई में क्लास ले रही है, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मैच करती है जब सुबह में क्लास होती है, और अभी भी सेम टू सेम मैच कर रहा था ये। एंड अरविंद ने भी बोला कि चलो ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ, शायद से मुझसे कोई क्लास मिस हो गई रहेगी जहाँ पे लेट नाइट कोई क्लास चालू रहेगी, मैं भी जाके देख के आता हूँ। फिर अरविंद उस आवाज़ का पीछा करने लग गया था, अरविंद उस आवाज़ के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी उसको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये आवाज़ और कहीं से नहीं, फर्स्ट फ्लोर के लेफ्ट कॉरिडोर के तरफ से आ रही है। एंड उसने एक और एक चीज़ सुना कि वो जो टीचर है कुछ कैलकुलेट नहीं कर रही है, बल्कि गिनती कर रही है, सिर्फ गिनती कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके वो 100, 200 तक पता नहीं कुछ तो वो गिनती कर रही थी। एक और एक चीज़ उसने रियलाइज़ करी कि ये टीचर बच्चों को गिनती बता रही है एंड जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं सब के सब, क्योंकि रोने धोने की आवाज़ इतनी तेज़ थी एंड वो टीचर की भी आवाज़ तेज़ थी। एंड उस आवाज़ का पीछा करते ही करते, देखते ही देखते, अरविंद उस लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम के सामने आके खड़ा हो गया। एंड फिर उसने उस डोर के विंडो से झांक के देखा तो उस कमरे में सिवाय अंधेरे के और चंद खाली बेंचेस के कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज़ अभी भी नहीं रुकी थी, गूंज रही थी उस क्लासरूम में। लेकिन कैसे? तो ये सब कुछ जानने के लिए अरविंद ने उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोला एंड अचानक से सारी आवाज़ें बंद हो गई। अभी इस वक्त अरविंद बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गया था, थोड़ा सा वो डर भी गया था, क्योंकि जस्ट 2 सेकेंड पहले आवाज़ें आ रही थी एंड वो अभी नींद में भी नहीं था, उसे आवाज़ें आ रही थी एंड जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला आवाज़ें बंद हो गई। ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है उसको। फिर ये सारा कन्फ्यूजन एंड करने के लिए वो क्लासरूम के अंदर एंटर किया कि मैं भी देखता हूँ कि क्या है अंदर, लेकिन उस क्लासरूम के अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गया, अचानक से उसके सर में कुछ तो लगा, उसने देखा तो ये किसी का पैर था। जैसे ही उसने अपनी नज़रों को ऊपर किया तो देखा कि एक औरत फांसी से लटकी हुई है उस छत पे। ये सब कुछ देख के अरविंद सुन पड़ गया था, एकदम नम, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी हिम्मत करके उसने आधी रात को वो कॉलेज छोड़ दिया, वो भाग गया उस कॉलेज से। एंड वो उस कॉलेज में लौटा भी तो 4-5 दिन बाद, है ना, कि सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि ये था मेरा रीज़न, मैंने इस वजह से ये क्लास छोड़ा है, आप लोग ने मुझे बहुत पहले से ये वाली बात बताई है कि लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम्स में नहीं जाना, लेकिन आपने कभी भी मुझे वजह नहीं बताई थी एंड इसलिए मैं अभी ये नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। एंड जब ये सारी चीज़ें हुई, उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके ये सब कुछ किया, उस समय ये वाली बात आग के तरह फैलने लग गई। एंड आज बहुत सारे वेबसाइट्स, यूट्यूब वीडियोज़, हर जगह पर ये है, बताया जाता है कि अनुराधा नाम की एक टीचर यहाँ पर बीकॉम क्लास को अकाउंट सिखाया करती थी एंड वो इस कॉलेज में 5-6 साल से पढ़ाया करती थी, लेकिन उनके घर में कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता था उनके फैमिली के ज़रिए, तो उन्होंने इस कॉलेज के किसी एक क्लासरूम में आकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ये वाली बात बताई जाती है कि अनुराधा यानी उस मैथ्स टीचर की रूह आज भी उस क्लासरूम्स में भटकती है, आज भी उस पूरे लेफ्ट कॉरिडोर को हॉन्ट करके रखा है उन्होंने। एंड अरविंद ने जो गिनतियों की आवाज़ सुनी थी उस रात को, उसने बताया था ना कि वो जब चलते हुए जा रहा था लेफ्ट कॉरिडोर पे, तो उसने कुछ गिनतियों की आवाज़ सुनी थी, जैसे कि वो टीचर कुछ गिन रही है और बच्चों को सिखा रही है। वो गिनतियों की आवाज़ और कुछ नहीं थी, वो जो टीचर है अनुराधा, वो अपने मौत के दिन गिन रही है कि अभी इतने दिन बाकी है मेरी असली मौत को, और बस वो उतने ही दिन गिनती रहती है हर रात को। आपको याद है अरविंद ने ये वाली बात भी कही थी कि उसे आधी रात को कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स रो रहे हैं उसी क्लास में से, लेकिन ये आवाज़ें थी किसकी
एंड ये सिर्फ अरविंद का ही नहीं कहना है, उस कॉलेज के आसपास जितने भी लोकल्स रहते हैं उन्होंने भी ये बात एक बार कही थी कि हमें पता नहीं क्यों इस कॉलेज में से आधी रात को रोने की आवाज़ें आती है, लेकिन वो है किसकी हमें नहीं पता। कुछ लोग का योला मानना है कि वो जो बच्चे हैं उनकी रूह को जमा किया गया है उसी टीचर के द्वारा। एंड जब वो टीचर आधी रात को अपनी मौत को याद करके तड़पती है, वो उन बच्चों को भी तड़पाती है। अभी कुछ लोग मुझे कहेंगे कि अमान भाई ये तो सिर्फ एक कहानी है, ये तो सिर्फ बातें हैं। लेकिन अगर मेरी मानो तो या ये सिर्फ एक बातें हैं, ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन गाइस, ये जो कहानियाँ होती है ये भी किसी ना किसी सच से ही बाहर निकलती है। हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि ये झूठ हो, लेकिन ये सिर्फ झूठ है, इस पे कभी बिलीव नहीं करना। एंड अगर आपको इस कॉलेज का नाम सुनना है या देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया, एक वेबसाइट का जिसने इस कॉलेज के बारे में लिखा गया है एंड वहाँ पे कॉलेज का नाम भी मेंशन किया गया है। अब अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी आप जिस जगह पे बैठ के योला वीडियो देख रहे हो वहाँ पे शायद से सुबह में आप बैठते हो, शाम में बैठते हो, रात में बैठते हो, लेकिन आधी रात को हो सकता है कि उसी जगह पे किसी ना किसी की रूह भी भटकती हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो, बहुत ही ज़्यादा डरावना, जो इंसानों के लिए अच्छा नहीं सोचते होंगे, इंसानों की मौत सोचते होंगे। इन सब से बच के रहिए। शुक्रिया।